देखिए विनोद जी ने जो कहा उसमें मैं जोड़ूंगा कुछ थोड़ी सी बात उनकी बात, उन्होंने जो कहा 100% में सहमत हूँ उनको दोहराने की बजाय मैं इसमें ये बात जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मुझे ही लग रही है कि अदाणी वाले मसले के ऊपर तकनीकी चर्चा हो और तकनीकी चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जांच कमेटी बन गई है। वो लगातार सेबी शेयरों के प्राइसेस ये सब डेट इक्विटी रेशियो वगैरह वगैरह ये सब जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं इन मुद्दों पर बिना हिंडनबर्ग रिपोर्ट का नाम लिए हुए वहां पर चर्चा होती रहेगी और बातचीत होती रहेगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का नाम भी आएगा उस वक्त जबकि अदाणी ने जो 400 पेज का उसका खंडन दिया था उस खंडन के ऊपर चर्चा होगी, अदाणी को उस खंडन का बचाव भी करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इसके ऊपर राजनीतिक चर्चा हो और जब संयुक्त संसदीय समिति बनेगी जेपीसी बनेगी तो राजनीतिक चर्चा से रोका नहीं जा सकता, वो जरूर होगी और वो राजनीतिक चर्चा धीरे धीरे उस हद तक जा सकती है कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए उनसे भी पूछताछ की जाए। और जब राजनीतिक चर्चा होगी तो वो तो मीडिया के लिए एक बहुत बहुत मीडिया के लिए लगातार सनसनीखेज खबरों की सप्लाई होगी, सोशल मीडिया के लिए सनसनीखेज खबरों की सप्लाई होगी, उससे बहुत जबरदस्त माहौल बनेगा। और आप ध्यान रखिए हमारे मित्र इस बात की तस्दीक करेंगे कि चुनाव का साल तो महत्वपूर्ण होता ही है, चुनाव से पहले का साल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के लिए ट्रिगर पॉइंट यही मिलता है। अगर इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी के लिए ट्रिगर पॉइंट मिल गया तो फिर स्नोबॉल होता हुआ चुनावी साल में पहुंचेगा, फिर सरकार के हाथ सरकार के प्रबंधन के जरिए उसको संभाला नहीं जा सकेगा। इसलिए सरकार इस बात को लेकर बहुत सतर्क है और भारतीय जनता पार्टी, मेरा अपना अनुमान है, अनुमान गलत भी साबित होते हैं लेकिन मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर भी जेपीसी नहीं बनने देगी। जेपीसी बनने का मतलब यह है, भाजपा के रणनीतिकार ये मान रहे होंगे इस वक्त, इसको बनने देने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये दूसरी बात है, अगर वो बदकिस्मत हुए तो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो बहुत से काम ऐसे कर पाएगी अपने नतीजे में जो जेपीसी के कामों से मिलते जुलते हो सकते हैं, यानी वहां से भी शक की सुई जो है वो भाजपा प्रधानमंत्री सरकार की तरफ मुड़ सकती है, अदाणी से उनके संबंधों की तरफ मुड़ सकती है। और 2 महीने का समय मिला है इस कमेटी को, मान लो एक आध बार उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, आप 4-5 मान लीजिए 6 महीने में रिपोर्ट उसकी आई जाएगी उस कमेटी की, और उस रिपोर्ट से भी कुछ समस्या भाजपा को पैदा हो सकती है तो भाजपा वहां भी इस कमेटी की रिपोर्ट को भी नहीं चाहेगी कि उससे उसको राजनीतिक नुकसान हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।